लेकिन अभी हमें नीचे जाना पड़ेगा तो उसकी साइड, क्योंकि वहाँ से टैक्सी नहीं मिल रही स्नोफॉल के उससे, यहाँ से आधा घंटा लगेगा आपको कुटला जाने के लिए अगर आप अच्छे चलते हैं, वरना 40-45 मिनट में कुटला पहुँच सकते हैं। और ये यहाँ का पूरा प्लान है, और यहाँ पे भी इतनी स्नो हो रखी है, पूरी स्नो ही स्नो हो रखी है हर जगह। अब हम वापस जाएंगे तोश को, फिर वहाँ से आएंगे हमारा कसौल को, जहाँ हमारा हमें स्टे कर रहा था। अभी हम जस्ट वाटरफॉल पहुँचे हैं और हमें यहाँ भैया मिले हैं, हमारे जानने वाले एक भैया जो पंजाब से हैं। इन्होंने यहाँ पे कैसे जी, तो भैया आपका नाम? मेरा नाम रविंदर संधू है जी। जी भैया, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? भाई जी साल तो कह देता हूँ, अभी कुछ महीने हुए हैं, पर ये कैफे यहाँ पे 2016 से चल रहा है। अच्छा, तो आपने आपका यहाँ पे स्टे विस्टे भी अगर लोग वो आएंगे तो स्टे के लिए आपका नाम, मतलब कैफे का नाम बता दीजिए। भाई जी कैंप का नाम है द सेज कैंप्स और कैफे का नाम है द सेज कैफे। और यहाँ तो उसमें सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर कैंप भी बहुत अच्छे हैं, पूरे स्नो हो रही है और यहाँ पे व्यू भी अच्छा है, और भैया के वहाँ खाना भी बहुत अच्छा है, और भैया भी खुद अच्छे हैं। तो आपको कभी भी आना होगा, मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। हम वापस जा रहे हैं कसौल की तरफ, पहले हम जाएंगे तोश क्योंकि अभी वहाँ टैक्सी नहीं मिल रही है, तो आप स्नो देख सकते हैं कितनी है। तो सबसे ज़्यादा डर होता है, कभी भी आप नीचे जाइएगा तो देख लीजिए कहाँ पर आप स्नो है, कहीं फिसलने का भी होता है इसमें, जैसे ही है। अब मेरे को यहाँ से मोहित भाई का हाथ पकड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी स्नो है।